स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिनको करने से आपको मासिक धर्म यानी कि पीरियड पेन्स या फिर अंग्रेजी में कहें तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलेगी। महिलाओं में पीरियड का पेन आम बात है, मगर कुछ महिलाओं को यह असहनीय होता है। इसलिए मासिक धर्म के दर्द को कम करने के लिए इस वीडियो में शेयर किए गए घरेलू नुस्खों को जरूर ट्राई करें। तो आइए जानते हैं ये कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनको करने से आपको पीरियड्स का पेन में राहत मिलेगी। मगर आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पे क्लिक करें और उसके साथ में जो बेल आइकन बना है उस पे भी जरूर क्लिक करें। ऐसा करने से जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज। आमतौर पर महिलाएं उन दिनों में एक्सरसाइज नहीं करती, मगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से पेन में राहत मिलती है, जैसे कि योगा, प्राणायाम या फिर आप नंगे पैर घास पर सुबह या शाम को चल भी सकते हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। नंबर दो, पीने का पानी। सादे पानी की बजाय गुनगुना जीरे का पानी पीने से मासिक धर्म के दर्द में राहत मिलती है। इस पानी को बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच जीरा डालकर उबाल लें और उस पानी को ठंडा होने के लिए रख दें। जब वह पानी हल्का गुनगुना हो तो उसका सेवन करें। ऐसा करने से मासिक धर्म के दर्द में राहत मिलती है और आपको अच्छा लगता है। नंबर 3, अदरक व काली मिर्च की चाय। उन दिनों में ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम, और जहां तक हो सके हल्की गर्म चीजों का ही सेवन करना चाहिए। अदरक वाली चाय में चुटकी भर काली मिर्च डालकर पीने से दर्द में राहत मिलती है और पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। नंबर 4, तेल की मसाज। पेट के निचले हिस्से में हल्के हाथों से मालिश करने से आराम मिलता है। मसाज के लिए आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। तिल के तेल में लिनोलिक एसिड होता है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे आपको दर्द कम महसूस होता है और आपको राहत, जो पीरियड्स के दर्द है उससे राहत मिलती है। नंबर 5, सिकाई। दर्द वाली जगह पर हल्की सिकाई करने से काफी आराम मिलता है। सिकाई करने के लिए आप गर्म पानी की बोतल या फिर गर्म तौलिए का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनको करने से आप मासिक धर्म के दर्द में राहत पा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।